तो अभी हमारे पास के जी हैं। जी के जी नमस्ते। जी, आज का क्वेश्चन क्या है सर आपका? आज का हमारा स्ट्रीम है भगवान गौतम बुद्ध के हाँ, समकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर। अच्छा, भगवान गौतम बुद्ध के समकालीन पुरातात्विक हाँ, समकालीन पुरातात्विक साक्ष्यों के सबूत ऊपर। चाहिए। हाँ, मतलब उनके समकालीन आपको कोई सबूत चाहिए, यही ना? हाँ, ऐसे एविडेंस हो, प्रमाण हो, पुरातात्विक प्रमाण हो तो वो आप दिखा सकती हैं, दे सकती हैं। मतलब आप किस तरह का, किस चीज को आप प्रमाण मानते हैं? मेरे कुछ थोड़ा मतलब आप क्लियर कर देंगे कि आप किस चीज को आप सबूत मानेंगे? मतलब कुछ आप लिखा किस चीज को हुआ प्रमाण या मानती फिर हैं? कोई? आप किस चीज को प्रमाण मानती हैं? नहीं, मतलब आप अभी मतलब इस चीज पर नहीं आपने नहीं स्ट्रीम कर आप अभी नहीं, एक बच्चों जैसी स्ट्रीम बात कर कर रहे रहे हैं। हो तो ये नहीं, सुनिए, बच्चे मेरी बात जैसी बात नहीं सुनिए। सर, दीदी मेरी बात सुनिए, दीदी आप दीदी मेरी बात दीदी सुनिए। मतलब आप इस दीदी, चीज को प्रमाण मानेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मैंने ताकि आपसे मुझे बोला, बात, हाँ, मुझे आपसे मतलब ये जो डिबेट चल रहा है, तो मुझे आपको मतलब मैं आपको ठीक से, मैं आपके साथ ठीक से बात कर पाऊँ, इसलिए मतलब मैं आपसे ये चलिए पूछ रही हूँ ठीक कि आप किस चीज को है, प्रमाण समझेंगे, ये पूछ रही हूँ। बोलने का अवसर देंगी। हाँ, बोलिए, अब आप बोलिए, अपना अपनी बात मैंने रख आपसे सकते हैं। पहले ही कहा हाँ, आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, मैंने आपसे पहले ही बोला। आर्कियोलॉजिकल, ओके। तो वो तो अभी जो मतलब पहले जो मैं मुझसे पहले जो स्ट्रीम में जो अभी बौद्ध थे, वो तो बोल ही रहे थे ना कि उनके मतलब उनके हड्डियों के अवशेष मिल गए हैं और उनके बहुत सारे स्तूप भी मिल गए हैं, तो वो तो है ही, स्तूप तो देखे ही जा रहे हैं, इतने सारे, सारनाथ का स्तूप है, बौद्ध गया का स्तूप है। हाँ, और मतलब ये जो पूरा मतलब पूरे भारत में बुद्ध ही बुद्ध ये है, भगवान गौतम बुद्ध ने बनवाए थे सारे स्तूप अपने हाथ से, ईंट और पत्थर रख के। हाँ, तो अभी ये जो अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, वो अभी राम आके बना रहे हैं? हाँ, वो राम आके बना नहीं, रहे हैं राम या नहीं आके बना आजकल रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं? लेकिन अयोध्या का नहीं मंदिर बना रहे आज ना? वर्तमान में बन रहा, अयोध्या का मंदिर भगवान राम के हाँ, समकालीन प्रमाण में नहीं गिना जाएगा ना? मैंने आपसे क्या पूछा, तो समकालीन वो भी प्रमाण। सर सर एक मिनट, अभी तक राम का तो ऐसा मतलब इतना बड़ा मंदिर तो कोई था नहीं। आज से 50 साल के बाद भी मतलब जो बौद्ध बच्चे होंगे वो भी तो यही सवाल आप करेंगे राम ना पे बात करने कि आई हैं कि राम बुद्ध पे के बात करने आई पुरातत्व, हैं? नहीं, आप राम पे बात अगर आप करने आई हैं कि बुद्ध बुद्ध पे, पे बात करने आई हैं? अगर आप बुद्ध पे सवाल खड़ा करेंगे, तो ब्राह्मणवाद के हर एक देवी देवता पे सवाल खड़ा होना ही होना है। तो यही, अगर इसीलिए आप तो बुद्ध बुद्ध पे को, सवाल खड़ा हुआ हाँ है दीदी जी, इसीलिए तो बुद्ध हाँ पे सवाल खड़ा हुआ है। तो बुद्ध हाँ के प्रमाण देने में हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं? प्रमाण दीजिए ना, समकालीन नहीं, प्रमाण कोई मांग रहा हाथ हूं, आप पांव तो नहीं राम फूल जी के रहे, पीछे छुप क्योंकि रही हैं। अरे पूरे आप तो राम भारत, जी के पीछे पूरे छुपने लगी, भारत में, बुद्ध का प्रमाण नहीं, देने के राम जी के समय है। पीछे नहीं छुप रहे, सुनिए राम जी को आगे सुनिए कर रहे सुनिए, हैं, भगवान राम जी गौतम को बुद्ध का आगे कर प्रमाण देने के रहे हैं। लिए आप भगवान राम के पीछे छुपने हाँ, लगी, आप जो है नहीं राम नहीं मंदिर के पीछे छुपने राम लगी, के आप देवी पीछे, देवताओं राम के पीछे छुपने में लगी, ये छुपने तो की, गलत बात है ना, एक मिनट ये तो एक गलत मिनट बात है। राम ना ना ना, ये के गलत बात, पीछे, गलत राम बात के है, गलत पीछे, बात राम है, के ये पीछे गजब राम की, के मतलब छुपने गजब की गए हैं। आइडियोलॉजी है। मतलब बुद्ध का प्रमाण ना देना पड़े इसके लिए हम राम के ऊपर सवाल उठा देंगे, इसके लिए हम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर सवाल उठा देंगे। अरे भाई, आप लोग ये सवाल कोई नया नहीं उठा रहे हो, आप लोग ये सवाल उठा ही रहे हो, इसीलिए तो हमने ये स्ट्रीम की है, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं भाई। दूसरों को प्रमाण पत्र देने वाले अपने घर का आधार कार्ड कब दिखाएंगे? दिखाइए ना, हमने आपसे प्रमाण मांगा है दीदी, आपके पैर पड़ते हैं, विषयांतर ना करें। आपके पास अगर भगवान गौतम अभी बुद्ध आपने से जो जुड़े बोले, समकालीन प्रमाण, आप जितना भी अभी नाम ले आपने रही जो हैं, बोला, ये हाँ एक हाँ भी नाम भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े समकालीन प्रमाणों में नहीं आते हैं, एक भी हाँ ये एविडेंसेस बात तो भगवान सही है, गौतम बुद्ध से जुड़े समकालीन प्रमाणों में नहीं कलेक्ट किए जाते हैं। आपसे भाई मेरी समकालीन बात प्रमाण सुनिए, मांगा गया है मतलब मैं इस दीदी। बात इस बात पे दीदी, दोहराते रहेंगे आप अपनी बात बिल्कुल रख सकती हैं, लेकिन विषयांतर करते हुए रखेंगी तो आपको बड़े प्यार से मैं स्ट्रीम से बाहर कर दूंगा दीदी। तो नहीं, बात इतने में ही खत्म हो जाती है दीदी ना बात, कि पूरे दीदी पूरे ओ भारत में दीदी इतने आर्कियोलॉजिकल दीदी सबूत मिल गए हैं, बौद्ध का दीदी सख्त कमबच्छ मिल दीदी गया है। दीदी, मैं समकालीन प्रमाण मांग रहा हूँ, समकालीन प्रमाण। समकालीन का हिंदी आता है आपको? समकालीन का हाँ, हिंदी पता है आता बौद्ध में, है? हाँ क्या होता है मतलब समकालीन का आप इस हिंदी समकालीन, दीदी? हाँ समकालीन का हिंदी समकालीन क्या प्रमाण होता मतलब है? बौद्ध, बौद्ध जब जिंदा थे तब के आप सबूत मांग बौद्ध रहे को हैं, हम, मुझे पता है, बौद्ध मुझे जिंदा नहीं, बुद्ध अच्छे से पता है। जिंदा। अरे बुद्ध जिंदा थे हाँ उस हाँ समय वो का बुद्ध, प्रमाण मांग रहा हूं हाँ दीदी। बुद्ध, हाँ बुद्ध, हाँ जब भगवान गौतम बुद्ध, जिसे आपने नाम गौतम कर जी दिया है, दीदी भगवान सूती टुकी की, हाँ दीदी, मैं समकालीन प्रमाण मांग सकता हूं आपसे? आपके पास समकालीन प्रमाण है तो दीजिए दीदी, नहीं तो आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए दीदी। हाँ
तो मेरी बात सुनिए, पूरे भारत में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल गए हैं। और क्या है दीदी उनका, दीदी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उनका टाइम पीरियड क्या है दीदी? ईसा से 600 साल पूर्व बताया जा रहा है। 600 साल पूर्व का कोई एक एविडेंस दिखा दीजिए दीदी। 600 साल का बहुत सारे सबूत मिल गए हैं, बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। कौन सा स्तूप, आपके आपके ये जो ब्राह्मणवादी दीदी, आपके ये जो ब्राह्मणवादी, अब आप ब्राह्मणों के पीछे छुपने लगे, अब आप ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सारे मिल चुके हैं, बहुत सारे, बस यही है इनके पास और कुछ नहीं है, बहुत सारे, बहुत सारे मिल चुके हैं। ये कह देंगे तो मान लिया जाएगा, दिखाएंगे कुछ भी नहीं, बताएंगे कुछ भी नहीं, एविडेंस के तौर पर कुछ भी नहीं रखेंगे, बस ये आएंगी और स्ट्रीम में हमारी दीदी कह देंगी कि बहुत सारे मिल चुके हैं तो बस मान लो। कभी राम जी के पीछे, तो कभी देवी देवताओं के नाम के पीछे, तो कभी ब्राह्मणवाद के पीछे। अरे बुद्ध का प्रमाण ना देना पड़े इसलिए कितने बहाने आप ढूंढ रही हैं, प्रमाण दीजिए ना दीदी, इतना बहाना क्यों बना रही हैं दीदी? दीदी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज दीदी आप प्रमाण के साथ बात करिए, अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के समकालीन प्रमाण भी चाहिए? जी दीदी, मैं कुछ नहीं, तो मैं आपसे कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे मेरी बात सुन लीजिए, बुद्ध सभ्यता, मेरे प्रश्न को समझ लीजिए, बुद्ध सभ्यता तो हो गई है ना, बुद्ध सभ्यता, मेरे प्रश्न को बुद्ध, मेरे प्रश्न को समझिए, मेरा भी क्वेश्चन सुनिए। अरे अभी मैं खोज दूंगा दीदी, दीदी मैं खोज दूंगा, दीदी मैं खोज दूंगा, आप परेशान मत होइए, पहले मुझे सुनिए कि मैं पूछ क्या रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ पहले ये सुनिए। मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा वर्ष पूर्व, और ये डेटिंग आप लोगों ने तय की थी 1956 में, यानी कि 1956 में बैठ करके दुनिया भर के बौद्धों ने ये डिसाइड किया कि चलो मान लेते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, तो चलिए हमने मान लिया। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 1956 में यह तय किया था कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था, तो 563 ईसा वर्ष पूर्व का जब भगवान बुद्ध का आप होना बताते हैं, तो उस टाइम का कोई प्रमाण है आपके पास उनसे रिलेट करता हुआ, वो दिखा दीजिए दीदी, बस इतना कह रहा हूँ दीदी। वो दिखा दीजिए, पैर पकड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, वन मिनट, नहीं, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो सबूत भी मिल जाता भारत में, वो सबूत भी भारत में मिल जाता अगर 8वीं सदी में ब्राह्मण आके, वो सबूत भी भारत में मिल जाता अगर ब्राह्मण आके यहाँ के सारे विश्वविद्यालय इस तरह से खत्म ना, झंडे गाड़ दिए भाई, प्रमाण ना देना पड़े तो ब्राह्मण आके सारा प्रमाण उड़ा दिया। कौन सा विश्वविद्यालय नष्ट किया है, कोई सबूत है, कौन सा किया है नष्ट बताना ब्राह्मण, गजब आप तो ये तो झूठ बोल रहे हैं, मनुवादी विचार लेके घूम रहे हैं ना सारे, ये जो मनुवादी विचारधारा लेके घूम रहे हैं ना, विचार दिखाइए इनको, स्त्रियों को बुद्ध के विचार दिखाइए, दीदी मैं आपको मनुवाद दिखाता हूँ, आपको मनुवाद, दीदी मैं आपको मनुवाद दिखाता हूँ, मैं आपको मनुवाद दिखाता हूँ, ये है मनुवाद, ये देखिए दीदी, ये है मनुवाद, ये देखिए दीदी मनुवाद, ये मनुवादी क्या करते थे, ये मनुवादी जो है बुद्ध सभ्यता जो है वो खो गई है अभी, ये जो सुनिए, खो गई है ना, अभी हम खोद के निकालेंगे, आप परेशान मत होइए, आप बस सुनिए, ये देखिए, ये देखिए मनुवादी क्या लिख रहे हैं। मनुवादियों का एक किताब है त्रिपटिक, और त्रिपटिक के खुद्दुक निकाय के अंतर्गत जातक कथाएं आती हैं, जातक नंबर 536 कुणाल जातक, और इस कुणाल जातक में मनुवादियों ने लिखा है कि स्त्रियां 40 तरह से पुरुषों को फंसा लेती हैं। देख रही हैं दीदी कितना जबरदस्त मनुवाद फैला रहे हैं, दीदी इस पर आपका क्या कहना है, इन मनुवादियों के ऊपर आपका क्या कहना है, ये त्रिपटिक वाले मनुवादियों के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए ये जो ब्राह्मणवाद है, हाँ ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणों ने सारे बुद्धिज्म का ब्राह्मणीकरण किया है, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि ये त्रिपिटक है, पाली में त्रिपिटक लिखा ही नहीं जा सकता, पाली में त्रिपिटक लिखा ही नहीं जा सकता, अरे इन्होंने तो हमें एक ऑप्शन दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी, क्या बात है, मतलब त्रिपिटक को पाली में लिखा ही नहीं जा सकता, वाओ मजा आ गया यार मेरे को, मैं तो ये बात शुरू से कह रहा था कि ये पाली जो है ना बौद्धों का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये जबरदस्ती पाली भाषा पर अपना अधिकार जमाते हैं, जबरदस्ती झूठ बोलते हुए कहते हैं कि पाली बौद्धों की भाषा है, अगर ये पाली बौद्धों की भाषा होती, ब्राह्मी लिपि अगर बौद्धों की होती तो ये त्रिपिटक लिख लेते,
लेकिन इन्होंने साफ साफ मना किया कि पाली में त्रिपिटक लिखा ही नहीं जा सकता, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। इन्होंने आज बहुत बड़ा सच मान लिया, इन्होंने बौद्धों को एक्सपोज कर दिया। बहुत धन्यवाद दीदी, मजा आ गया। देखिए ये कहीं त्रिपिटक नहीं लिखा सकता, तो त्रिपिटक तो लिखा जा सकता है ना, पाली में इसको त्रिपिटक बोलते हैं, है ना। और इसमें जो भाषा लिखी है वो पाली लिखी है, और ये जो ग्रंथ हैं इनकी पांडुलिपि चाइना से भी मिली है, यहाँ तक कि कुषाण कालीन ब्रह्मी और खरोष्टी में भी मिली है, गांधार में इनके कुछ अभिलेख भी मिले हैं इन्हीं चीजों के, और यहाँ तक कि इनके चित्र बने हैं भरत और सांची के स्तूप पर। सब फर्जी है, दीदी ने कह दिया ना कि त्रिपिटक तो पाली में लिख ही नहीं सकते, इनका ग्रंथ पाली में लिखा ही नहीं जा सकता, इन्होंने खुद बौद्धों को एक्सपोज कर दिया, इन्होंने तो हमारा साथ दिया है ना। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत बड़ा बोझ हमारे सर से उतार दिया। ये बौद्ध रोज चिल्लाते थे कि पाली हमारी भाषा है, बुद्ध भगवान पाली बोलते थे, हम लोग पाली में सारा काम करते थे, लेकिन आज आपने जो बात बोली है ना, इससे आपने हमें बहुत बड़ा रेफरेंस दे दिया, और आपने इन बौद्धों के मुंह पर बिल्कुल एक शानदार जवाब दिया इन लोगों को, कि जो ये बार बार दावा करते थे पाली हमारी भाषा है, पाली में ही बुद्ध बोलते थे और पाली में ही बौद्ध लोग लिखते पढ़ते थे और पाली में ही सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख लिखे हैं, तो आपने बहुत गजब की बात बोली कि पाली में तो त्रिपिटक लिखा ही नहीं जा सकता। क्या एक्सपोज किया आपने बौद्धों को। अच्छा, जी अनन्या जी, दीदी को देखिए, दीदी दुनिया जहान की सारी बात करेंगी, दीदी मनुवाद की बात करेंगी, दीदी राम जी की बात करेंगी, दीदी देवी देवताओं की बात करेंगी, लेकिन दीदी इस पर बात नहीं करेंगी कि स्त्रियां 40 तरह के पुरुषों को फंसाती हैं, और ये बात त्रिपिटक के खुद्दुक निकाय के अंतर्गत भगवान गौतम बुद्ध ने खुद बोली है, इस पर दीदी नहीं बात करेंगी ना, क्योंकि इससे इनका प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है, इससे इनकी विचारधारा ध्वस्त हो जाती है। अगर यही बात किसी दूसरे ग्रंथ में लिखा होता तो दीदी अब तक पूरा हल्ला मचा देती, लेकिन ये इनके खुद के ग्रंथों में लिखा हुआ है तो। दीदी बिल्कुल नहीं बोलेंगी, दीदी बिल्कुल शांत रहेंगी, दीदी एकदम विषयांतर करेंगी, दीदी बिल्कुल चुप बैठेंगी, और जब मौका मिलेगा तो बस ब्राह्मणों ब्राह्मणों मनुवादियों मनुवादियों हिंदुओं हिंदुओं देवियों देवियों देवताओं देवताओं काल्पनिक ये काल्पनिक वो काल्पनिक ऐसा काल्पनिक वैसा काल्पनिक, बस दीदी ने जितना आज तक सीखा वो यही सीखा है। ये क्या लिखा है पढ़ेंगी आप? कि पढ़ना नहीं आता है, बिना पढ़े लिखे आई है, क्योंकि लग तो रहा है कि दो शब्द रटा हाँ। दिया गया है, बस मनुवाद ब्राह्मणवाद बस वहीं रट के आई है। मनुवाद आपने बुद्ध की सभ्यता खत्म करने के लिए ही ये आपके पूर्वजों ने मनुवाद खड़ा किया है। क्या होती है यार, ये क्या है? गजब फेंक रही है भाई, गजब फेंक रही है। भारत में जितने भी ये जो स्तूप है ना, कब्जा है वो होता है बुद्ध। ये ग्रंथ तो श्रीलंका से लाए थे आपके राम संस्कृत नायन, भारत में थोड़ी थे ये, क्योंकि आपके पूर्वजों ने खत्म कर दिए थे ना। हाँ तो श्रीलंका वाले सभ्यता खत्म कर दी है। एक मिनट, ठीक है, आप कह रही हैं श्रीलंका वाले पढ़ी है, ये कह रही हैं कि कि भारत से बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया था। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक ब्राह्मण का नाम बता दें जिस ब्राह्मण ने भारत से बौद्ध सभ्यता को खत्म किया हो, और मैं इनको ऐसे 50 ब्राह्मण के नाम बताऊंगा जिन्होंने बौद्ध सभ्यता को भारत में जीवंत करने का कार्य किया है। बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य सारिपुत्त ब्राह्मण, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य मोगलायन ब्राह्मण, अश्वघोष ब्राह्मण, बुद्धघोष ब्राह्मण, पद्मसंभव ब्राह्मण, नागार्जुन ब्राह्मण, नागसेन ब्राह्मण, सारे के सारे तो ब्राह्मण थे दीदी। आपका तथा कथित तो गोल्ड कोई मूल निवासी भी था क्या? बुद्ध के संघ में फड़फड़ाने से मतलब चीजें नहीं बदल जाती है, और फड़फड़ाने से इतिहास नहीं बदल जाता है, चीखने चिल्लाने से सिर्फ प्रोपेगेंडा चलता है, तथ्य नहीं बदल जाते। कुशवाहा जी, ये जो चीखने चिल्लाने आई हैं तो चीखी और चिल्लाई और चले जाइए, लेकिन यहाँ पर जो बात होगी प्रमाण के आधार पर होगी, तथ्य के आधार पर होगी। कुशवाहा जी, ये जो तथ्य है तो बात करें। कुशवाहा जी, ये ग्रंथ तो बदंत आनंद कोस्टलाइन चाइना से प्राप्त किए थे, या जो राहुल संस्कृत है ना वो चाइना तिब्बत वर्मा और ये क्या बोलते हैं अपना श्रीलंका, वहां से प्राप्त किए थे तब अनुवाद किए हैं। जब ये वर्मा चाइना तिब्बत श्रीलंका में है तो वहां कौन सा ब्राह्मण जाके मिलावट कर देगा बौद्धों के बीच? कहीं भी चल जाएंगे यही त्रिपिटक मिलेंगे, कहीं भी किसी भी बौद्ध कंट्री में। और यहाँ तक एक मिनट मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। आपने जो बुद्ध के समय का जो आपने ब्राह्मण करीबी ब्राह्मण बताया कि बुद्ध का सबसे करीबी ब्राह्मण था, तो उसका क्या नाम था? सारिपुत्त मोगलायन। मोगलायन का नाम सुना है? सारिपुत्त का नाम सुना है? मोगलायन सुना है कभी नाम इनका? अच्छा, बैठा बैठा
हाँ एक मिनट, आपने जिस तरह से सारी जो ये शिल्प कलाएं है उसका भी ब्राह्मणीकरण करके रख दिया है। अगर आपने बौद्ध शिल्प कला दिखा दिया तो धातु तले उंगली दबा लेंगी आप, तो शिल्प कला पे आप हमसे बात ना ही करें। मैं आपके सामने बड़े सलीके से बात करना चाहता हूँ, मैं तथ्यहीन बात नहीं करना चाहता हूँ, और आप हैं कि लगातार बस तथ्यहीन बात करना चाहती हैं। रेफरेंस एक मतलब इतने टाइम से एक ढेला एविडेंस आपने नहीं दिया सिवाय लड़ने के। आप लड़ने आई हैं तो हम लड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हमने प्रमाण की बात की है और आप लड़ाई करने आ गई हैं। लड़ाई मत करिए, अगर एविडेंस नहीं है तो आप चले जाइए यहाँ से, क्यों बेमतलब की लड़ाई कर रही हैं? बोल दीजिए आपके पास प्रमाण नहीं है, तो शिल्प कला देख लीजिए बौद्धों की, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपके यहाँ तो बोधिसत्व जो है वो हिरनी से संभोग करके और बच्चा पैदा करवा देता है दीदी, ये और ये आपके शिल्पों में लिखा हुआ है, क्या बात करेंगे आप हमसे? मतलब ऐसी शिल्प कलाएं हैं। शिल्पांकन देखिए नटराज जी, इन दोनों शिल्पांकनों का परिचित्र बता दीजिए। पहला जो शिल्पांकन वो इनके बरहुत स्तूप का है जो की 200 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, और दूसरा शिल्पांकन वो गांधार की कला से है, दूसरी तीसरी शताब्दी का, तो वहां भी देख सकते हैं। यहाँ गांधार वाला थोड़ा टूटा हुआ है, केवल घास चरते हुए दिखाया गया है हिरनी को, और इधर वाले में हिरनी घास भी चर रही है और दूसरी तरफ उससे मानव बच्चा पैदा भी हो रहा है। एक तरफ देखिए घास चरते हुए चित्रण है, दूसरी तरफ जो इसी है वो बच्चे को भी हिरनी से निकाल रहे हैं, तो उसका भी वर्णन है जी। चलिए एक और शिल्पांकन आपको दिखाते हैं, मथुरा संग्रहालय में रखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं बड़ा स्पष्ट चित्र है, और इसमें ये देखिए सबसे ऊपर है बोधिसत्व के मुकुट का पूजन, यानी कि उसका जन्म, उसका पूजन, उसका अवतरण, और उसके बाद से फिर ये बोधिसत्व जो है वो सारे ज्ञान विद्या में पारंगत हो जाता है, जंगल में कुटिया बना के रहता है, तो जब ये मूत्र विसर्जन कर रहा होता है तो एक हिरनी आती है और उस घास को चर जाती है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यहाँ पर हिरनी को डिलीवरी होती है, ठीक है, और उसके बाद बच्चा पैदा होता है। ये पूरा प्रकरण जो है इस स्तंभ पर दिखाया गया है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक जो वहां पर ये म्यूजियम में जहाँ ये रखा हुआ है उसके नीचे ये देखिए, उसके नीचे ये पट्ट भी लगा हुआ है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये रखा भी गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो कलाकृति विवरण है श्रृंग ऋषि के जन्म से संबंधित दृश्य, पंजीयन संख्या है 7640 और काल है प्रथम शती ईस्वी, यानी कि प्रथम शताब्दी का ये बना हुआ है। इसकी प्राप्ति स्थल है गोविंद नगर मथुरा, इसका माप है ऊंचाई 1 मीटर है और 39 सेंटीमीटर ऐसा कुछ है। इसका विवरण क्या है, इसमें है क्या, तो इस वेदिका स्तंभ पर एक श्रृंग ऋषि के जन्म से संबंधित कथानक का दृश्यांकन अंकित है। श्रृंग ऋषि विमांडक ऋषि के पुत्र थे, इनके आश्रम में एक हिरणी रहती थी, मुनि को उससे प्रेम हो गया था, तत्पश्चात मुनि ने इस हिरणी के साथ समागम किया, इसके पश्चात ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। इस स्तंभ पर बोधिसत्व के मुकुट का पूजन शीर्ष भाग में दिखलाया गया, यानी कि ऊपर, इसके नीचे मुनि अपने आश्रम में हिरनी को चारा खिला रहे हैं, तीसरे भाग में हिरनी से ऋषि के पुत्र का जन्म अंकित है, सबसे नीचे ऋषि कुमार के जन्मोत्सव पर मिठाई बांटने का विवरण है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा प्रकरण जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर दर्शाया गया है, जबकि बौद्धों के द्वारा ऋषि श्रृंग के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, टिप्पणी की जाती है, और ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में तो ऋषि श्रृंगों को हिरनी से पैदा कर दिया गया, लेकिन हिंदू धर्म में पैदा कर दिया गया या बौद्धों ने अपनी जातक कथाओं में ऋषि श्रृंग के कथानक को बिगाड़ने का प्रयास किया, उनके जन्म प्रकरण को बिगाड़ने का प्रयास किया, न सिर्फ जातकों के माध्यम से इन्होंने ऋषि श्रृंगी के जन्म विवरण को बिगाड़ा, बल्कि इन्होंने फलकों और शिल्पों के माध्यम से ऋषि श्रृंग के जन्म को पूरी तरह से लांछित कर दिया, अपमानित कर दिया। जरा सोच के देखिए ये अपने इस तरह की कथा इन्होंने केवल ऐसा नहीं है कि पुष्पाजी, इन्होंने ऐसा नहीं है कि केवल ऋषि श्रृंग का ही चरित्र बिगाड़ा है, इन्होंने भगवान राम के बारे में लिखा है कि उन्होंने सीता जी जो उनकी बहन थी उनसे शादी कर ली थी, भगवान कृष्ण की माता के बारे में लिखा है कि जो देवकी है उनसे कृष्ण का जन्म उनकी शादी से पहले ही हो गया था, बाद में उन्होंने वसुदेव से शादी की, तो तीनों जगह इन्होंने यही घालमेल किया है चरित्र बुलाने में। ये जातक कथाएं इन्होंने सिर्फ पूर्व मान्य, ये जातक कथाएं इन्होंने जो इनसे पूर्व मान्य प्रचलित महान विभूतियां थी उनके जीवन चरित्र और उनके प्रकरण को
विकृत करने के लिए, गलत सिद्ध करने के लिए, अवैज्ञानिक सिद्ध करने के लिए इन्होंने ये फर्जी फर्जी कथाएं और फर्जी फर्जी ये प्रकरण जो है गढ़े हैं। इसी से इनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है कि इन लोगों ने अपने जातकों के माध्यम से कितनी अवैज्ञानिक, कितनी अदृष्टिगोचर और कितनी अतथ्यात्मक जानकारियां लोगों के बीच में प्रेषित की है। यहाँ पर ऋषि शब्द आने से स्पष्ट हो जाता है कि भाई बोधिसत्व भी है, बोधिसत्व का बच्चा ऋषि हो रहा है। विभांडक जो था, विभांडक मुनि जो थे, उनको ये बोधिसत्व बता रहे हैं, और उनसे होने वाले बच्चे ऋषि श्रृंग को ये कह रहे हैं कि हिरणी से पैदा हुए थे। और हिरणी से क्यों पैदा हुए थे, तो विभांडक जो थे उन्होंने हिरणी से संबंध बनाया। और न सिर्फ इन्होंने ये चीजें जातकों में लिखी हैं, बल्कि इन्होंने उसका शिल्पांकन भी अपने कालखंड में किया। बताइए, पहली शताब्दी में ये सब काम कर रहे थे, ये बौद्ध ऐसे ऐसे शिल्प बना रहे थे, और ये कहते हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। ये काम वैज्ञानिक करते हैं, यही काम करते हैं वैज्ञानिक। जब कुछ पता ना हो ना तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, समझते हैं चीज को। पहले खुद के ग्रंथ पढ़िए भैया। अरे तो आपको अपने पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है? आपको अपने में पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है? आपको अपना पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है भाई? आपका ग्रंथ तो पढ़ाया जाता है, तो आप डिनाई कर देती है कि मेरा है ही नहीं। हम तो नहीं करते। नहीं, हम लोग अपना ग्रंथ पढ़े, लेकिन ये अपना ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। सामने इनका ग्रंथ खोल के बैठा हूं तो कह रहे हैं ब्राह्मण ने मिलावट कर दी, फलाने ने मिलावट कर दी, उसने मिलावट कर दी, इसने मिलावट कर दी। गजब भी कर रहा है। पता नहीं किसको किसको बुद्ध के नाम पर किसको मिर्ची लगती थी इतनी कि सारी विश्वविद्यालय ही खत्म कर दिए। भारत के सारे विश्वविद्यालय खत्म कर दिए। लो लो बताता हूँ विश्वविद्यालय किसने खत्म किए। प्यारी दीदी लो बताता हूँ, टेंशन नहीं लेने का। अरे मेरे पास सबूत है नटराज जी, ये क्या बात करेंगे। लो सबूत देखो, किसने विश्वविद्यालय नष्ट किए दीदी। लो देखो दीदी के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए इसलिए दीदी अनपढ़ रह गई। दीदी के विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए ब्राह्मणों ने। यार बताओ, पढ़िए। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है दीदी, ये आपके तथाकथित बौद्ध भिक्षु का स्टेटमेंट है कि किसने विश्वविद्यालय नष्ट किए। प्यारी दीदी ये जरा पढ़िए, प्यारी दीदी पढ़िए। तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। पढ़िए पढ़िए दीदी, ये पढ़िए। तो पढ़िए इसको, मतलब ये किस ग्रंथ में लिखा गया है पहले तो मुझे ये बताइए। बताते हैं आपको किस ग्रंथ का है। हाँ, किस ग्रंथ में लिखा गया है और ये कब का है? हाँ, धर्मस्वामी। हाँ, ये 12वीं शताब्दी का है, जिस समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था और धर्मस्वामी जब भारत में आया था, है ना, उस समय का है। तिब्बती एक मौक था, दिष्ट मौक धर्मस्वामी, उसके द्वारा लिखा गया है और उसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये तब का लिखा हुआ नहीं है। कोई सबूत है आपके पास तब का? नहीं है। धर्मस्वामी कब आया था भारत? कौन था धर्मस्वामी, जानती हैं आप? धर्मस्वामी नाम का कोई इंसान भारत में ऐसे आया ही नहीं था। 12वीं शताब्दी में जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तब 12वीं सदी में ब्राह्मणों ने ही जलवाया है, और ये तिब्बत से लिखा गया है। ये यही तिब्बत का वो ग्रंथ है जिसका आप लोग रेफरेंस देते हो मिसकोट करके। नहीं जी, हाँ पढ़िए इसमें क्या लिखा है। और नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने जब जलता रहा ना, तब अपने खिलजी का नाम लगाया। वो ब्राह्मणों ने सिर्फ खिलजी का नाम लगाया है, बाकी जलाया ब्राह्मणों ने है। और नेपाल की अरे एक मिनट चुप रहिए, इसको पढ़िए। ये धर्मस्वामी तिब्बत का मोक्ष था जो भारत आया था 12वीं सदी में, है ना। कोई तिब्बत ग्रंथ में ऐसा नहीं है। नहीं, दूसरी बात, कोई धर्म नाम का कोई आया ही नहीं है। अरे ये फिर ये किताब किस कहां से आएगी? ये तिब्बत में ये किताब कहां से आएगी फिर? यानी तुम बुद्धिस्ट लोग फर्जीवाड़ा फैलाते हो तिब्बत में? नहीं नहीं, आप मनुवादी लोग फैलाते हो पूरे 1000 साल से। आप मनुवादियों ने बुद्धों का इस तरह से संहार किया ही है। हाँ, मनुवादियों ने मिलके बुद्धिज्म का इस तरह से नाश कर रखा है। अपनी तिब्बत वाली किताब दिखाओ, कहां लिखा है वहां पे कि ब्राह्मणों ने जलाया, दिखाओ। अब दिखाइए ना कहाँ लिखा है तिब्बत वाली किताब। ये तिब्बत का यात्री है, ये तिब्बत का ही बौद्ध भिक्षु है, है। बहुत कुछ देखा। मतलब मेरी दीदी कितनी अच्छी हैं, मतलब प्रमाण के नाम पर बहुत कुछ मिला है और लिखने के नाम पर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन दिखाऊंगी कुछ भी नहीं, बताऊंगी कुछ भी नहीं, बस लिखा है और रखा है। अरे है तो दिखाओ ना, दिखा के बात करो, एविडेंस के साथ बात करो आप। मतलब आपको सिर्फ लड़ाई करनी है, एविडेंस के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। किताब में लिखा है बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। वो किताब पता है किसने लिखी थी? एक मुस्लिम ने लिखी थी, तबकात-ए-नासिरी नाम है उसका। क्यों अपनी बुद्धि पर
तरस नहीं खा रही हैं दीदी, ये बुद्ध की सभ्यता को खत्म करने के लिए इतना कुछ किया है वो। विक्टिम कार्ड, गजब नौटंकी, गजब नौटंकी। अरे विक्टिम कार्ड ही खेलना है दीदी, तो बहुत सारे चैनल हैं, यहाँ पर एविडेंस की बात हो रही है, एविडेंस दीजिए। विक्टिम कार्ड नॉट अलाउड, नौटंकी बाजी चल रही है यार। प्रमाण की बात कर रहा हूँ तो ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, ब्राह्मण ने ये कर दिया। अरे भाई ब्राह्मण ही सब कर रहा था तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कोई प्रमाण हो तो दिखाइए, नहीं तो चलते बनी आप कर रही है। ये लड़ने आई है, ये लड़ने आई है, लड़ने ये एकदम ना अनपढ़ जैसे बिहेव कर रहे हैं, अनपढ़ लोग नहीं होते हैं एकदम। मतलब आते ही आज टॉपिक क्या है कि समकालीन एविडेंस दिखाए, आगे क्या कह रही हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, ये क्या बात होती है? मैं इनको अनपढ़ नहीं बोलूंगा, एक दिखा दो। नहीं नहीं, मैं मैंने इनको दीदी बोला है तो मैं अनपढ़ नहीं बोलूंगा। मैं बोल रही हूं, पैनल से भी कहूंगा, मैं पैनल से भी कहूंगा कोई अनपढ़ ना बोले यार, मेरी दीदी है, अनपढ़ ना बोलो प्लीज। दीदी मैं आपकी तरफ से अपनी दीदी को थोड़ा संभाल के रखिए, कैसी दीदी है आपकी? अरे हो जाता है, वो हो जाता है जब दिमाग में ज्यादा जब गुस्सा हावी हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों को रटवाया जाता है ना, 2 1 2 2 2 4 पर वो उसका पर्दा लिखना शुरू हुआ है। हाँ हाँ, मैं अभी दिखाता हूँ अधिकार, दीदी अधिकार दिखाता हूँ, दीदी अधिकार दिखाता हूँ, दीदी अधिकार दिखाता हूँ, अधिकार दिखाता हूँ, जस्ट चिल डाउन, अधिकार दिखाता हूँ आपको। आप अपना माइक खोलिए अशोक जी, थोड़ा बात करते हैं। ये जो दीदी आई है तो इन्होंने एक मानसिकता बना ली है पहले से ही, एक पूर्वाग्रह के जाल पर खुद को उलझाई हुई है। वही ब्राह्मणवाद, वही मनुवाद, जो एक रिटोरिक चलता रहता है, जबकि होना ये चाहिए कि इनको फैक्ट को पढ़ना चाहिए। अगर जो फैक्ट में सही है, प्रमाण दिख रहे हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले से ये धारणा बना लिए कि नहीं अगला व्यक्ति मेरा दुश्मन ही है, उसके खिलाफ ही बोलना है, तो फिर आप फैक्ट को स्वीकार भी नहीं कर पाएंगी और आपकी इच्छा भी नहीं रहेगी कि आप सत्य को स्वीकारें। दूसरी बात, जो आप महिलाओं को के अधिकार के लिए आपने बात की, तो हाँ संविधान में अधिकार महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, और भी समाज के सभी वर्ग के लिए है। लेकिन अगर आप संवैधानिक सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें 15 महिलाएं थी, तो वो कहाँ से पढ़ के आई? आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। इसके अलावा आनंदी गोपाल जो पहली महिला डॉक्टर थी, जो लंदन में जाके उन्होंने अपनी मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट करी, उनका पढ़िए। तो ये बात सही है आपकी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि संविधान ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया। भारतीय संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया है, बिल्कुल सही बात है, और भी सभी वर्गों को अधिकार दिया है, ये भी 100% सही बात है। और हम सभी भारतीय संविधान से ही चलते हैं, उस पर पूरा हम लोग बिलीव रखते हैं। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं थीं जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, पढ़ी लिखी थी, और कितनी महिलाएं थीं जो संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनी थी उस पर मौजूद थी, और सबके सब पढ़ी हुई बहुत ही ज्यादा हाई क्लास, यहाँ तक कि वो अधिकतर उनमें से ब्रिटेन और या फिर यानी लंदन से पढ़ी हुई महिलाएं थी, और बहुत सारे महिलाओं ने डिग्री कर रखा था, LLB लॉ की डिग्री वगैरह, बैरिस्टर भी थी। तो इस पर भी हम एक स्ट्रीम अब सोच रहे हैं कि लाना चाहिए कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, उनका बैकग्राउंड क्या था। और आनंदी गोपाल का भी एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी महिलाएं। तो आप दीदी रिसर्च करिए, इसके बाद कुछ चीज बोला करिए। अगर आप कोई चीज बोलती हैं और वो चीज कट जाती है, डिनाई हो जाती है, तो वो सही नहीं लगती है। और अभी भी आप जिस चीज पर आई प्रमाण लेकर, अगर आप उस चीज का प्रमाण दे देती शुरू में तो ज्यादा बात नहीं होती। और कुशवाहा जी, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि किस तरीके से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, उस पर आपने एक पोस्ट भी डाला था फेसबुक में, अगर दीदी चाहे तो वो भी देख सकती हैं। यहाँ पे तो हम लोग प्रमाण तो दिखाते ही हैं, और मुझे तो लगता है कि ये जितने भी मूल निवासी आइडियोलॉजी के लोग होते हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ना बाबा साहब को पढ़ते हैं, और हिस्ट्री आर्कियोलॉजी तो बहुत दूर की बात हो जाती है, उसमें तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये सारी चीजें तो अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, इसको भी नहीं पढ़ते ये लोग। कुशवाहा जी वो तो चली गई दीदी, चली गई बिना प्रमाण देके चली गई।
अभी तो मैं उनको प्रमाण देने वाला था कि महिलाओं की स्वतंत्रता पर कितनी अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, और दीदी को ये भी दिखाने वाला था कि आदरणीय बाबा साहब ने क्या कहा है, बौद्ध धर्म को किसने नष्ट किया उस पर आदरणीय बाबा साहब के क्या विचार थे। दीदी तो ये देखना भूल गई हैं, क्या हो गया ये, मतलब दीदी कितने गुस्से में आई थी ना। ये देखिए दीदी, ओ दीदी थोड़ा इस पर नज़र डालेंगे क्या, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 37 पेज नंबर 515 क्या लिख रहे हैं बाबा साहब, बौद्ध धर्म के नष्ट होने का मुख्य कारण मुस्लिमों का आक्रमण है। अपने हमलों के दौरान मुसलमानों ने भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म पर यह पहला आक्रमण था। उनके आक्रमण से भयभीत होकर बौद्ध भिक्षु भाग गए, कुछ तिब्बत चले गए, कुछ चीन तो कुछ अन्य स्थानों पर चले गए। तो हमारे परमादरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तो कह रहे थे कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, और आप तब से विक्टम कार्ड खेल रही थी, ब्राह्मण ने नष्ट कर दिया, ब्राह्मण ने नष्ट कर दिया, ब्राह्मण ने नष्ट कर दिया। मतलब दीदी आप किसकी तरफ से बैटिंग कर रही हैं, किसकी तरफ हैं आप, बाबा साहब की बात नहीं माननी। ओहो कौन सा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये। और दीदी बिना जवाब दिए क्यों भाग गई, वो प्रमाण देने आई थी ना। कैसे चलेगा यार, दीदी जी तो चली गई। खैर चलो, मैंने दीदी को हाथ पैर सब जोड़े, मैंने दीदी से कितना निवेदन किया, दीदी जी एक सिंगल एविडेंस दिखा दीजिए दीदी, एक सिंगल एविडेंस दिखा दीजिए दीदी, लेकिन दीदी हैं कि बस लड़े जा रही थी, अपशब्द कहे जा रही थी, विक्टम कार्ड खेले जा रही थी, प्रमाण के नाम पर कुछ भी नहीं था। इतना गुस्सा दीदी, इतना गुस्सा व्यक्ति को तभी आता है जब व्यक्ति न खुद को पढ़ता है न दूसरों को पढ़ता है। तो आपने खुद को भी नहीं पढ़ा और सामने वाले को भी नहीं पढ़ा, आप सिर्फ राजनीतिक मंचों पर होने वाली बातों को सुन करके आपने एक ओपिनियन बना लिया है, आपने एक दृष्टिकोण बना लिया है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। आपने कितनी खूबसूरती से कहा कि ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया। अरे भाई बाबा साहब तो कह रहे हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, और ऐसा नष्ट किया कि सारे बौद्ध जो थे वो देश छोड़ के भाग गए। तो कम से कम हमारी बात का भरोसा नहीं है, लेकिन बाबा साहब की बात पर क्या दिक्कत है, इनकी बात तो मानी जा सकती है। लेकिन नहीं, दीदी तो दीदी है, खुद तो प्रमाण देने की जब बारी आएगी तो बस मेरे शब्द ही मेरे प्रमाण है, आई एम बाहुबली। नहीं मतलब आप सोचिए किस लेवल का ब्रेन वॉश हुआ है इन लोगों का, किस लेवल कि अपना ये लोग दिमाग ही नहीं लगाते हैं एक बार भी, बस सुनी सुनाई बातों पे दुनिया का एक और सुनाई देता है। हाँ नटराज जी, दुनिया के बहुत फेमस म्यूजियम है मेट्रोपोलियन म्यूजियम, वहां से पुस्तक छपी, उसने खुद ने धर्मस्वामी के बारे में लिखा है कि दो तिब्बती टेक्स्ट मिले धर्मस्वामी के भारत यात्रा से संबंधित। अब इन लोगों जानकारी कुछ होती नहीं है, बस इनके शिविरों में और ब्रेन वॉश जो सोसाइटी होती है व्हाट्सएप पे वो इनको रटवा देते हैं, वो ये बोलते हैं बहुत मिले हैं बहुत मिले हैं बहुत लिखा है। बस ये एक तो रट्टू तोते होते हैं, दूसरा ये कैसेट होते हैं, ये ब्रेन वॉश कोई जानकारी नहीं होती।